यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग शुभम यू मिस मी दिल्ली क्या बात केवल कल ही तो क्लास नहीं हुई थी यार बाकी तो रेगुलर चली रही है चलो भाई स्टार्ट करते हैं ना फर्मा को, को आज खत्म करते हैं और कुछ एमसीक्यू कोशिश की जाती है आत्मा राम अरे यार अभी तो तुमने दो दिन पहले पेपर खत्म किया अभी रिजल्ट का थोड़ा वेट करो थोड़ा माहौल पता चलने दो अभी तो तुम्हारे सेंटर तक कॉपियां नहीं पहुंची हैं बोर्ड तक कॉपी नहीं पहुंची बोर्ड तक कॉपी तो पहुंच जाए विवेक पासवान तुम्हारी पहली लाइव क्लास है गुड है ना आई होप कि तुम्हारी पहली लाइव क्लास बहुत अच्छी होगी ठीक है चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना देर किए लेक्चर नंबर आठ आठ लेक्चर में हमने कंप्लीट यूनिट नंबर फोर यूनिट नंबर फाइव खत्म कर दिया मिसलेनियस ड्रग्स के बारे में बात करेंगे मतलब इनकी कोई कैटेगरी नहीं है ये नंबर ऑफ कैटेगरी कई सारी कैटेगरी पे काम करती हैं भाई अभी तक क्या है हम लोगों ने देखा चाहे कोई कार्बोनेटिव कैटेगरी की ड्रग हो ठीक कोई एक्सपेक्टोरेंट है कोई एंटी है कोई लग्जेटिव कैटेगरी की है, अलग अलग कैटेगरी वाइज हमने डिस्कशन किया यह मिसलेनियस कैटेगरी है मीन्स इनकी जो रेंज है वो कई कही जाद, कहीं ज्यादा है ओके ओके ठीक है चलो तो इसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएंगे इसलिए फटाफट इसको खत्म करते हैं अब देखो ये तुम्हारा सिलेबस का एंड है है ना तो इंपॉर्टेंट है काफी अच्छी क्लासेस हैं इसमें जैसे अश्वगंधा और तुलसी और गुगुल ये तीन ड्रग हैं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी की ड्रग्स पूछी नहीं जाती मतलब पहले मैं बता रहा हूं कि मिसलेनियस कैटेगरी में जो ये तीन ड्रग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मीन ऊपर की काफी सारी ड्रग से कहीं ज्यादा अश्वगंधा पूछा जाता है तुलसी पूछा जाता है गुगुल पूछा जाता है एग्जाम में ओके तो मिसलेनियस को मिसलेनियस की तरह मत लेना कि अरे बस ही हो जाता है क्योंकि तो यूजुअली स्टूडेंट की मेंटेलिटी क्या होती है ये तुम्हारी नहीं जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे साथ भी यही था कि जब भी पढ़ने बैठो शुरुआत में भाई यूनिट पांच पढ़नी है ओके भाई बहुत बढ़िया पढ़ेंगे सर जी बोल दिए पढ़ना है तो पढ़ेंगे एस्ट्रिंजेंट और ड्रग एक्टिंग और नर्वस तक देखा, अरे बैठे बैठे दो घंटे हो गया है ना तो अब थोड़ा सा फ्रेश होकर आते हैं ठीक घूमने निकल गए घूमने निकल गए फिर लौट के नहीं आए पढ़ने अगले दिन फिर पढ़ाई शुरू की जाए तो फिर कहां से शुरू करें फिर लग्जेटिव कार्डियोटॉनिक कार्बिनेटिव एस्ट्रिंजेंट और यहां तक आते आते फिर मतलब शुरुआत ही ऐसे होती जब भी बोलो तब वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे अरे आगे तो बढ़ो ठीक है तो इसी तरीके से पढ़ाई होती तो यूजुअली लास्ट में जो टॉपिक होते हैं सभी सब्जेक्ट के लास्ट के टॉपिक अक्सर छूट जाते हैं एग्जाम में जब पेपर देखते हो तो सबसे लास्ट का जो सेक्शन होता है सबसे कम टाइम पे आप उसको करते हो और जो शुरुआत का पहला सेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा डिटेल में होता है मीन्स भले ही उसमें तुमको बीस मिनट या आधे घंटे बिताने लेकिन ना समय बहुत है पैंतालीस मिनट में जरूर बिताएंगे उसमें और यही होता है कि लास्ट के लिए समय कम पड़ जाता है और तुम्हारा फिर कंटेंट तो टाइम मैनेज नहीं होता चलो खैर उसके बारे में डिटेल में क्लास ली जाएगी आज क्लास कुछ और है स्क्विल की बात करें स्क्विल जैसे लहसुन और प्याज होता है बिल्कुल उसी तरीके का बल्ब शेप का ये पौधा होता है दिस है ना लगता ना जैसे लहसुन का हो या प्याज का हो है ना उस तरीके का स्क्विल मीन बल्बस प्लांट कह सकते हो हम्म तो यूजली पूछा नहीं जाता लेकिन सिलेबस में तो हमें पढ़ना है सिनोनियम की बात करें तो सिली बल्बस स्क्विल व्हाइट स्क्विल और यूरोपियन सिला ज्यादा टाइम कभी कभार बहुत रेयर पूछ लिया गया है

Glycosides में भी हमने दो तरीके के बताए थे जिसमें जो दूसरा वाला है ब्यूफा ये इसमें ज्यादा पाया जाता है जिसमें सिलेरिन A और बी जिसमें इंजाइम मदद करता है सिलेंटनेज ओके तो मेन कहीं भी पूछा जाए तो सिलेरिन ए और सिलेरिन बी किस टाइप के ग्लाइकोसाइट है ब्यूफाडिनोलाइट्स है ना अदर कॉन्स्टिट्यूएंट में ग्लूको ए कार्डिय ग्लाइकोसाइट कैटेगरी में आता है बस यही तीन ग्लाइकोसाइट्स है जो पढ़ने लायक हैं बाकी म्यूसिलेज वोलाटाइल ऑयल और दुनिया भर के सब्सटेंस जो सब में पाए जाते हैं ओके okay, यूज की बात करो तो मोस्टली चूंकि ये कैटेगरी कौन सी हमेशा याद रखना है, है तो कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है ये कई सारी भाई जैसे एक्सपेक्टोरेंट था कार्बेनेटिव था हमको पता है कि उसका यूज क्या लिखना है इसमें तो कुछ भी चलेगा ये तो मल्टीटास्किंग है तो भाई देखो स्टिमुलेंट की तरह भी काम करेगा पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट भी बढ़ाएगा

जीआईटी पे काम करने का मतलब ये पूरी बॉडी में काम हो गया ना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो किसी को अस्थमा हो है ना तो सब कंडीशन में ट्रीटमेंट में स्कुल काम आता है नेक्स्ट कैटेगरी आती है गर्ल्स ये बेसिकली प्लांट की पैथोलॉजिकल कंडीशन है प्लांट की एक तरह की बीमारी आउट ग्रोथ हो गई है आउट ग्रोथ जैसे इंसानों में देखो कभी कभी इस तरह के आउट ग्रोथ हो जाता है मींस सेल का अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है और गांठ जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं स में हो जाती ना उसी तरीके की प्लांट में आउट ग्रोथ हो गई है यहां पे ठीक तो इसी को हम क्या बोलते हैं गॉल्स प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं ये काफी सारी डिजीज के ट्रीटमेंट में मदद करती है हाँ भाई नट गॉल्स भी बोलते हैं ब्लू गाल्स भी बोलते हैं टर्किस गॉल्स भी बोलते हैं बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो नट गॉल्स क्या है भाई कंसिस्ट ऑफ पैथोलॉजिकल आउट ग्रोथ पैथोलॉजिकल आउट ग्रोथ मीन ये बीमारी है इसकी है ना तो इसलिए पैथोलॉजिकल आउट ग्रोथ फ्रॉम ट्विक्स ऑफ द डायर ऑफ द प्लांट की आउट ग्रोथ है कैसी आउट ग्रोथ पैथोलॉजिकल मीन इसका पार्ट नहीं है सेल का आउट सेल का वहां पे सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो गर्ल्स में मोस्टली 50-70 परसेंट टैनिन जिसको बोलते हैं गैलेक्टोनिक एसिड या टैनिक एसिड पाया जाता है कितना पचास से सत्तर प्रतिशत केमिकल कंस्टिट्यूएंट गैलेक्टोनिक एसिड जो कि क्या है टैनिन है और भी अगर बात करें तो इसमें गैलिक एसिड इलाइजिक एसिड की काफी मात्रा में पाए जाते हैं यूज बेसिकली इसका यूज होता है स्याही बनाने में डाई इंडस्ट्री मींस कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है कलरिंग एजेंट की तरह कुछ मामलों में सपोजिटरीज अपमेंट और लोकल एस्ट्रिंजेंट की तरह भी काम करता है क्यों क्योंकि तो ये मल्टीटास्किंग है मिसलेनियस mis कैटेगरी की है टैनिन क्या होते हैं राधिका टैनिन क्या होते हैं पीछे के लेक्चर्स देखो अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगी है ना यूनिट नंबर थ्री देखो जाके एल्क्ट देखो टैनिन देखो ग्लाइकोसाइड्स देखो वहां सब कुछ तुमको पता चलेगा कि क्या होता है और बिल्कुल इसी तरीके से रामेंद्र ग्रुप में नहीं मिलता पहले भी मैं तुमको दो बार क्लियर कर चुका हूं ओके ठीक है अश्वगंधा की बात करें नेक्स्ट ड्रग हमारी आती है अश्वगंधा बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है इसकी बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू हाँ यूनिट नंबर फोर करेक्ट साहिल है ना सिनोनियम की बात करें विदानिया रूट अश्वगंधा क्लस्टर ऑफ विनचेरी है ना इसके विनचेरी चेरी प्लांट कह सकते हो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है ड्राइड रूट स्टेम बेस ऑफ विदानिया सोमनी फेरा बहुत ही ज्यादा यस 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 बहुत इंपॉर्टेंट है विदानिया अश्वगंधा है ना विदानिया सोमनी इसका केमिकल कंसिटेंट भी पूछा जाता है शॉर्ट नोट अश्वगंधा पे भी पूछ लिया जाता है जिसके भी घुटनों में दर्द हो अश्वगंधा को हल्दी में मिला के और थोड़ी सी सोठ का तीन चीजों का पाउडर मिला के अगर सुबह सुबह पी लो तो बूढ़े लोगों के जो घुटनों में दर्द जो जीने चढ़ने में कटकट की -कट आवाज होती है ना वो बंद हो जाती है बड़ा ही मेडिसिनल वैल्यू है ये ओके फैमिली इसकी क्या है सोलनेसी विदानिया सोमनी फेरा की वैल्यू फैमिली कौन सी है सोलनेसी केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो अल्कोलाइड इसमें पाया जाता है जिसको बोलते हैं विदानिन बहुत मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है विदानिन और अगर बात करें तो विदानोलाइट ये दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट अक्सर कहां चले गए थे तुम लोग मैं वेट कर रहा हूं सबके सब, सब लोग गायब हो गए अचानक ऐसा कैसे हुआ अरे मैं कह नहीं गया था यार वीडियो तो चल रहा था तुम सब अचानक तुम सब गायब हो गए जैसे बंद कर लिया हो हमने कहा क्या बात है तुलसी के पहले तक क्लियर है ना सिर्फ तुलसी पे गायब हुए ना तुम लोग अरे भूख भूख लगी हो तो मुझे बताया करो मैं यहां से कुछ भिजवा दिया करूं ऐसे गायब होके चले जाना मैं वेट कर रहा हूं खड़े होके बच्चे कहां चले गए ठीक है तुलसी के पहले तक का क्लियर है अश्वगंधा क्लियर है ना

विदानिया सोमनी फेरा एक तो बायोलॉजिकल सोर्स याद रखो कहां से मिलता है ये भाई ड्राइड रूट एंड स्टेम बेसिस से विदानिया सोमनी फेरा फैमिली सोलेनेसी फैमिली पूछी नहीं जाती बट तुमसे विदानिया सोमनी फेरा बायोलॉजिकल सोर्स जरूर पूछाता है या विंटर चेरी के नाम से विंटर चेरी बोलते हैं इसको क्लियर ना और विदानिन और विदानोलाइट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट मेन यूज यूज बहुत सारे हैं में भी होगा मेंटल डिजीज में होगा इंटेस्टाइनल इंफेक्शन में भी होगा या की तरह काम करते करते हैं हैं okay. ओके फिर बात करते हैं, तुलसी कोई नहीं जानता कोई ऐसा है जो तुलसी नहीं जानता सब जानते हैं इसकी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत ज्यादा है मेडिसिनल वैल्यूज बहुत ज्यादा है है ना तो पहले के लोगों ने जिन प्लांट्स की जितने भी प्लांट पूजे जाते हैं किसी भी धर्म में या जितने तरीके की पूजा की जाती है जित पूजा में जितने तरीके के पोस्टर्स बनाए जाते हैं जो कुछ हम लोगों के धर्म में सबके अलग अलग धर्म हैं, है ना? जिसके जिसके भी हैं सभी धर्मों में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है अगर उन सब चीजों को तुम साइंस से जोड़ के देखो तो तुमको पता चलेगा कि पहले के लोग कितना बुद्धिमान थे तुलसी के पौधे को देखो कहते हैं कि रोज इसमें पूजा करो रोज इसमें पानी डालो और कहते हैं तुलसी को घर के आंगन में लगाओ बिल्कुल सेंटर में रोज उस पर जल चढ़ाओ जल चढ़ाने से क्या होगा भाई प्लांट को पानी मिलेगा क्लियर एकदम समय पे घर के ठीक आंगन में लगाओ बेस्ट प्यूरिफायर का बोलते हैं इसको है ना कि हवा को शुद्ध करता अगर घर के सेंटर में रहेगा ठीक तो पूरे घर की हवा को प्यूरीफाई करके रखेगा है कि नहीं बाकी घर में है महक अच्छी है चार पत्ते डाल दो चाय में ऐसे चबा लो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी और बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज हैं। कहते पीपल का पेड़ काटना नहीं चाहिए कुछ लोग कहते उसमें देवता रहते हैं कुछ लोग कहते उसमें भूत प्रेत रहते हैं लेकिन फैक्ट जब साइंस से जोड़ के देखो कि बुजुर्गों ने ऐसा क्यों बताया तो पता चलता है 24 घंटे शुद्ध हवा देने का काम करता है दिन हो चाहे रात हो तुमको ऑक्सीजन देता ही रहेगा समझ गए कि नहीं तो ये सब चीजें जो है पहले से ही डिसाइडेड सोचो उनको कितना साइंस का नॉलेज था जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं उन लोगों ने ये सारी चीजें बहुत पहले बता दी थी ओके फिर तुलसी पे आ जाओ सिनोनियम सेक्रेट बैसिल होली बैसिल या तुलसी बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो लीफ ऑफ ऑसिमम सेंटम ऑसिमम सेंटम या ऑसिम तेन्यूफ्लोरम भी बोलते हैं बेसिकली ऑसियम ऑसिमम सेंटम और फैमिली कौन सी लेबिएटी कहीं कहीं पे लेमिएसी लिखा है दोनों सिनोनियम है दोनों एक तरीके के ओके क्या है देखो लेबिएटी और लेमिएसी दोनों चीजें मैंने इसीलिए लिख दी हैं कि एक एग्जाम में लेमिएसी फैमिली लिखा था बच्चे कंफ्यूज हो गए कि फैमिली तो लैबिएटी ये मिसप्रिंट तो नहीं तो दोनों को एक ही चीज जानते हैं दोनों सेम चीज है ओके okay? कहा केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो बहुत सारे जिसमें सेवेंटी परसेंट यूजनॉल ट्वेंटी परसेंट मिथाइल यूजनॉल बीटा कैरियोफेलिन कार्बेक्रोल सिनियोल और लेनालूल इसके मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है यूज बहुत सारे हैं हाइपी हाइपोग्लाइसीमिक है, है ब्लड शुगर लेवल घटाते हैं इम्यूनो इम्यूनोमोडुलेटर है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं एंटी स्ट्रेस मीन्स पत्तियों को ज्यादा स्ट्रेस हो तो दो पत्ती मुंह में दबा लो एक पत्ती को मसल के सूंघ लो खूब तेजी से तो कहते हैं स्ट्रेस कम हो जाता है ओके एनालजेसिक की बात करें एंटीपायरेटिक बुखार उतर जाता है किसी को फीवर है पैरासीटामॉल घर पे नहीं है तो इसकी चार पत्तियों को उबाल लो पानी के साथ और पी लो और उसका असर देखो ओके एंटीहाइपरटेंसिव एंटी इंफ्लामेटरी एंटी अल्सर एंटी ट्यूमर एंटी बैक्टीरियल एक्सपेक्टोरेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। अब इतनी चीजें इतनी सारे वैल्यूज हैं इसके अब सोचो एक छोटा सा प्लांट और डिजीज देख लो यस ऑल यूज आ जाएंगी, है ना मतलब छोटा पैकेट और कहते हैं ना बहुत बड़ा धमाका वही चीज है कि नहीं यहां पे ठीक फिर गुगुल की बात करें भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है गुगुल जाता है ठीक इंडियन डेलियम ट्री या सेंटेड डेलियम ट्री या गम गुग्गुल बोलते हैं और बायोलॉजिकल सोर्स क्या है रेजिन।, रेजिन कहां से मिलता है जहां से भी जो भी सोर्स है है ना जो भी सोर्स है वहां हमेशा इंसीजन यानी कट लगाना पड़ता है तभी गम रेजिन प्राप्त होता है ओलियो गम रेजिन कहां से इनसीजन फ्रॉम बार्क ऑफ कैमिफोरा मुकुल केमीफेरा मुकुल जो प्लांट है तुम्हारा है ना इस तरीके का होता है प्लांट तो इसमें इसका जो स्टेम होता है इसका जो तना होता है उस तने पे कट लगाना पड़ता है जब कट लगाओ तो वहां से जो सिक्रिशन निकलता है दैट इज रेजिन है ना और वही बाद में ड्राई होके गुगुल में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है केमिकल देखो एक चीज का ध्यान रखना बहुत सारी किताबें हैं है ना बहुत सारी कहीं बहुत कंफ्यूज करके रखा है कहीं बेंजोइन को गुगुल बोल देंगे कहीं मिर को गुगुल बोल देंगे कहीं गुगुल को मिर लिखा हुआ है भाई हम लोग भी तो भाई मार्केट में जो कुछ है रेफर करते रहते देखते रहते कि बच्चे क्या क्या देख सकते हैं तो वहां पे मतलब सिनोनियम में बहुत सारे कंफ्यूजन है मैंने देखा बहुत सारी किताबों में अगर देखो तो बेंजोइन को गुगुल लिखा हुआ है है ना मिर को लोबान लिखा हुआ है गुगुल को कुछ और लिखा हुआ है है ना तो चीजें ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना फैमिली कौन सी बर्सरेसी केमिकल कंस्टिट्यूएंट पे आ जाओ तो ओलियो गम रेजिन की क्लास है तो फिफ्टी एट परसेंट स्टेर गुगुलो स्टेरोन गुगुलो इस्टिरोन या स्टेन वन टू थ्री जिसके अपनी बायोलॉजिकल वैल्यू है और गुग्लोन जेड और ई ये मेन है बाकी गम और ऑयल पाए जाते हैं इसमें यूज की बात करें तो ऑफ़ स्टिक ये अगरबत्ती वगैरह जो बनाई जाती है, है ना अगरबत्ती हो गई धूप बत्ती हो गई हवन सामग्री हो गई है ना तो ये गुगुल हर जगह पे फ्लेवरिंग एजेंट की तरह बहुत सारा काम करता है कई बार तो हवन वगैरह जब होते हैं हमारे हिंदू धर्म में तो वहां पे बाकायदे स्पेशली गूगल रिकमेंड किया जाता मंगाया जाता है ओके okay. ओके okay. क्यों मंगाया जाता है इसेंस स्टिक अगरबत्ती बनती है एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन है डायूरेटिक है एंटी हाइपर एंटी रूमेटिक स्टमक में अगर पेन है तो स्टमक के पेन को दूर करता है ओके एस्ट्रिंजेंट कार्मिनेटिव एक्सपेक्टोरेंट एक्टिविटी होती है ऐसे हार्ट अटैक स्ट्रोक हो जाए ब्रेन में एंटी स्पाजमोटिक डिसऑर्डर न्यूरोलॉजिकल हेयर फीवर एनेमिया तो जैसा कि पूजा ने कहा कि मिसलेनियस में सभी आ जाते हैं है ना तो गुगुल हो गया विदानिया हो गया तुलसी हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से पढ़ लेना और अब आ जाओ एम प्रैक्टिस पे रेडी तो जो हमने पढ़ा वही यहां पे एमसीक्यू में ठीक है तो जो एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे वहां एमसीक्यू की प्रैक्टिस यूनिट पांच की ऑलरेडी हमने तीन चार दिन चलाई लेकिन खुश मत होना वहां के एमसीक्यू एमसीक्यू में से कोई भी MCQ टैली नहीं करेगा क्योंकि मुझे पता है कि एग्जिट एग्जाम के बच्चों को फर्स्ट ईयर की लाइव क्लास मिल जाती है ओके तो यहां पे डिफरेंट ही एमसीक्यू होंगे तो ये एडिशनल होगा तुम्हारे लिए ए बी सी डी नहीं बताना है लिख के बताना है ऑप्शन ऑप्शन आपको राइट करना है वट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ बीज वैक्स यूज इन द फार्मास्यूटिकल्स गुड सबके सब यस राजू अतुल शुभम देखो आलिया जो एबीसीडी पे यस yes, निकी बिल्कुल सही है ना नेक्स्ट पे आ जाओ भाई इन फार्मास्यूटिकल्स बीज वैक्स कॉमनली यूज्ड हैज बीज वैक्स का यूज बताओ भाई लिखना है रामेंद्र पिन अमित सिर्फ राइट करो एबीसीडी नहीं एबीसीडी में क्या दो तीन क्वेश्चन के बाद पता नहीं चलता है कि तुमने रेस्पॉन्स पहले वाले का दिया कि बाद का यस yes, अतुल गौ, गौतम ठीक है रोहित बाइंडर है गुड देखा जाए सही आंसर क्या यस ना, नूटली राइट सिर्फ सागर का आंसर गलत है बाकी सागर और मनीष का आंसर गलत है, बाकी सब ठीक है ना तो बाइंडर की तरह यूज होता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म बीज़ वैक्स कॉमनली यूज्ड इन किस तरह की डोजेस फॉर्म में बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं देखो सब कुछ तुमने पढ़ा है लेकिन यहां पे धीरे-धीरे घूम धीरे धीरे हो गए अभी बढ़िया है अच्छा टाइम मिल गया है हमको एमसीक्यू करने का अगली एग्जिट एग्जाम की क्लास में जो हमारे नौ सब्जेक्ट हैं जिसमें से नॉन फर्मा रिलेटेड है ना तो नॉन फर्मा रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा यस। यसमेंट सब सही क्या बात है सबके सब पढ़ के आए क्या बस सूरज ये टैबलेट कहां से आ गई बीज वैक्स इज नेचुरल क्या है बीज वैक्स को नेचुरली क्या बोलते हैं देखो हमने जब बीज वैक्स पढ़ाया था तो ये सारी चीजें बताई थी देखो हमारी जो एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन है उसमें जो बच्चे भी मैक्सिमम एग्जिट एग्जाम वाले हैं दिख रहे हैं मुझे है ना तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी तुम्हारी उसी से हो जाएगी इसलिए उसके लिए अलग से तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है आलिया इमल्सी फायर, याद करो पीछे बीज वैक्स ओपन करके देखो स्वीटनिंग एजेंट तो हनी होता है हनी कॉम का क्या करोगे बीज वैक्स वैक्स स्वीटनिंग एजेंट कहाँ है भाई अगर बीज तुम जो है हनी की बात की जाती है कि नहीं अगर हनी की बात की जाती तो स्वीटनिंग एजेंट होता बीज वैक्स तो गुड फायर की तरह इस्तेमाल होता है ना बीज वैक्स इज द वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट इन द क्रीम एंड लोशन ड्यू टू इट्स कौन सी प्रॉपर्टी होती भाई कौन सी प्रॉपर्टी है थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे समझ जाओगे बी सी डी वालों का तो मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करता पूरा नाम लिखो देखो कॉमेडी में मत लो इसलिए ना कि कहीं अगर यही क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल एग्जाम के होते तो वहां लपेटे में आ जाते जल्दी आंसर देने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है यस कपिल बिल्कुल सही लालचंद सही पूजा का आंसर भी एकदम ठीक है बाकी गलत है आलिया ठीक है, है ना नेक्स्ट पे आ जाओ व्हाट रोल वैक्स प्ले इन द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन इसी तरीके से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते सोचो अभी मैंने एक ही पकड़ के रखा है सिर्फ एक बीज वैक्स यस बीज वैक्स प्ले द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन क्योंकि इसमें थिकनिंग एजेंट की तरह काम करता है ये किस तरह थिक सॉरी इमल्सी एजेंट है ना

हम्म यस सपोजिटरी बेस बिल्कुल सही है ना सपोजिटरी बेस की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलेशन बीज वैक्स इज नोन फॉर कैसा नेचर होता है भाई बीज वैक्स का क्या प्रॉपर्टी होती है बीज वैक्स की प्रॉपर्टी क्या है बीज वैक्स बीज वैक्स वाटर सॉल्युबल है क्या बात है हैं बीज वैक्स वाटर सॉल्युबल कैसे हो सकता है वैक्स है नाम में ही दिमाग का इस्तेमाल करो थोड़ा सा मैंने कहा ना क्या है वैक्स और वैक्स वाटर सॉल्युबल होता है क्या सिंपल सी चीज समझ के देखो खाली कि भाई वैक्स है तो वैक्स ऑब्वियसली लिपिड सॉल्युबल होगा जहां पे भी वैक्स आ जाए ऑयल आ जाए किसी भी तरह का ऑयल आ जाए हैं वो सब कैसा रहेगा सोचो अगर यही क्वेश्चन आया था तो मोटर एक नंबर कट जाता हुँ? और जो बच्चे फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं खासकर किसकी डी ट्रिपल एस बी की है ना उसमें तो निगेटिव मार्किंग है तो मिलने की जगह निगेटिव हो जाता ध्यान दो सोडियम एल्जिनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम सोडियम एल्जिनेट बताओ भाई पढ़ाया था ना सोडियम एल्जिनेट इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है सोचे जो चीजें पढ़ी हुई हैं वाकई में और वहां तो चाहे तुम जितना पढ़ लो कुछ बहुत तो ऐसा आ ही जाता है जो पढ़ाई नहीं है राइट right? यहां पे जो चीजें पढ़ी हैं अगर यहां पे गड़बड़ी हो रही है देखो पाइंट्री बता रहे हैं यस <laughs> yes, कपिल का एकदम सही है बाकी ये पाइंट्री तुम लोगों ने कहां से पढ़ लिया मुझे समझ नहीं आता पाइंट्री तो मैंने कहीं पढ़ाया नहीं इसको यार सीवीड बताया था हुँ? सी वीड बताया था और ध्यान हो तो रेड एलगी बताया था बताया कि नहीं बताया था है? तो एलगी यहां पे है नहीं सी बीड है तो ऑब्वियसली सी बीड हो गया नेक्स्ट इन फार्मास्यूटिकल सोडियम एल्जिनेट इज कॉमनली यूज एस किस तरीके से यूज होता है भाई सोडियम एल्जीनेट का सोडियम एल्जिनेट विजय क्या बात है लेट हो गए तुम गौतम तुम्हारा पढ़ा नहीं है कोई बात नहीं पढ़ो उसको बेटा समय बहुत नहीं है समय बहुत नहीं है कपिल आज कपिल के आंसर बहुत सही हो रहे हैं भाई थिकनिंग एजेंट है ना कपिल के आंसर अब तक सबसे ज्यादा सही आंसर है ठीक, वट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सोडियम एल्जिनेट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट हम्म, अब बताओ तो ये सारे यूज लिखाए गए हैं ऐसा नहीं है कि कोई नया यूज यहां पे बता दिया गया है रविंद्र राम तुम भी नहीं पढ़े हो पहले रविंद्र राम तुम अपने कॉलेज में पता करो तुम्हारा एडमिशन ओरिजिनल है कि फेक है लास्ट ईयर भी देखो तुम फंस गए थे यार है ना हमारी पूरी सिंपैथी तुम्हारे साथ है पिछले साल भी इनकी फीस बेकार गई यार कुछ लोगों ने इनको फर्जी फंसा दिया फर्जी कॉलेज में और इस बार फिर ऐसा फंसे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा ये तो कल रात का मेरा वीडियो कल रात में इन्होंने देखा तो इनको याद आया कि डायरेक्ट एडमिशन तो मेरा भी है यस कैसा है दट इज बाइंडिंग एंड सस्टेन भाई खुद सोचो सोडियम एल्जीट अभी तुमने थोड़ी देर पहले बताया एज ए यूज करते हैं थिकनिंग एजेंट खुद दिमाग लगाओ देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट चला करो है ना थिकनिंग एजेंट मान लिया कि तुमको नहीं समझ में आ रहा इसमें से कौन सा ऑप्शन है तो किस तरह यूज हो रहा थिकनिंग एजेंट यानी ये कुछ बाइंड करने का काम कर रहा है तो जाहिर की बात बाइंडिंग और जो बाइंड करेगा वो सस्टेन रिलीज के काम भी आ सकता है है ना तो सही हुआ कि नहीं बाइंडिंग का राइट रविंद्र मॉर्निंग में रविंद्र ने फोन किया था परेशान थे फैमिली वाले हैं भाई और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है ये कहो कि मैं समय समय पे वीडियो बना देता हूं तो लोग बहुत सारे बच्चे जो जागरूक हो गए हैं चलो ध्यान दो भाई क्या बताऊं मैं भी सोडियम एल्जिनेट इज कॉमनली यूज द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर इट्स कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसकी क्यों यूज होता है भाई सोडियम एल्जिनेट थोड़ा सा क्या ना कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करो कपिल कप तुमने रिवाइज नहीं किया फर्स्ट ईयर का सब याद है वेरी गुड यार फिर तो मेमोरी तुम्हारी अच्छी है गुड हम्म यस देखो अभी हमने बताया क्या थिकनिंग एजेंट जो थिक बना सकता है वो जेल बनाने में भी मदद करेगा तो जेलिंग एंड थिकनिंग राइट देखो एमसीक्यू करने से मेमोरी इनहेंस होती है तुमको चीजें याद हो जाएंगी ओरल लिक्विड प्रिपरेशन सोडियम एल्जिनेट में भी सर्व एज अब बताओ देखो कितने यूज घूम घूम के आ रहे हैं कितनी चीजें घूम घूम के सस्पेंडिंग एजेंट कैसा है थिकनिंग एजेंट है ये चीजों को एज ए बाइंडर की तरह काम कर रहा है और जब बाइंडर की तरह काम करेगा तो जो चीजें नहीं घुल पा रहे हैं, उसको सस्पेंड कर लेगा और पकड़ के रखेगा तभी तो थिकनिंग एजेंट की तरह काम करेगा सोचो एक ड्रग को किस तरह घुमा घुमा के उसके यूज पूछे जा रहे हैं और उसी एंगल से तुम लोग भी सब घूमते चले जा रहे हो है ना यस yes. सोडियम एल्जिनेट कॉमनली यूज द प्रिपरेशन ऑफ अब बताओ भाई फिर सोडियम एल्जिनेट है तो है ना एक एक ड्रग पकड़ो और जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने पॉसिबल क्वेश्चन बना डालो यस yes, शिवम ये बाद में रिकॉर्डेड में मिलेगा हम्म hmm. इंटेरिक कोटेड टैबलेट किस तरह से इंटरिक कोटेड टैबलेट अब देखो ध्यान से इसका कहां से लॉजिक लगाया तुमने हमने थोड़ी देर पहले बताया था क्या बताया था बाइंडर एंड सस्टेन रिलीज अब ये जो इंटरिक कोटिंग की जाती है वो किस लिए की जाती है ताकि टैबलेट का जो रिलीज है वो टैबलेट जो ड्रग है वो जैसे पेट में जाए इमीडिएट ना रिलीज करे पहले उसकी एक लेयर डिजोल्व होगी फिर दूसरी लेयर डिजोल्व होगी है ना मीन्स वो सस्टेन क्वेश्चन नहीं, नहीं, क्या किसी भी क्वेश्चन का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू के नोट्स नहीं बनाए जाते बेटा याद रहे कितने एमसीक्यू मैंने बताया मैं पांच हजार से ज्यादा एमसीक्यू कराऊंगा कहां तक नोट्स बनाओगे इसको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा बार बार देख के उसको दो चार बार जहां देखोगे चीजें रट जाएंगी एमसीक्यू क्यू की तो अच्छी बात है पहली बार में जो गलत हुआ दोबारा में है ना दोबारा में वो बिल्कुल सही हो जाएगा तो दो चार बार जहां लगाओगे अपने आप याद हो जाएगा और कब नहीं भूलोगे यस इंटरिक कोटेड टैबलेट ओके ट्रेगा कंथ इज द नेचुरल गम ऑप्टेन फ्रॉम द सेप ऑफ विच प्लांट बताओ भाई ट्रैगा की बात की जा रही बोर्ड में कम आएगा नहीं नहीं टेस्ट सीरीज का पूजा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं बोर्ड में तो देखो तुम्हारे बीस क्वेश्चन ही रहेंगे यस पीके पीके पी के पीके पी के पीके। बिल्कुल पीके का आंसर सबसे सही उसके बाद फिर सा फिर देखो फिर भी गलत आंसर आ रहे हैं स्ट्रेगुलस गेमिफेर है यार ये तो ट्रेगा मैंने बताया भी था कि भाई काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है जो इंपॉर्टेंट ड्रग बता दिया है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से किया करो यस फार्मास्यूटिकल ट्रेगा कैंथ इज कॉमनली यूज एज बताओ भाई किस लिए यूज किया जाता है ट्रेगा पढ़ नहीं रहे हो भाई देखो जो आंसर गलत दे रहे हैं देखो एक दो गलत हो जाना नॉमिनल सी चीज है हम्म यस थिकनिंग एजेंट है ना गम है गम 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 क्या करेगा गम, गम बाइंड करेगा और जब चीजों को बाइंड करेगा तो चीजें कैसी होंगी थिक होंगी गाढ़ी हो जाएंगी है ना सिंपल सी चीज है लॉजिक लगाओ लॉजिक व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हम्म हाँ, विजय शुक्ला का गम दूर करेगा विजय शुक्ला को ठंड लग रही मेडिकल स्टोर पर बैठे बैठे है ना गम क्या कर रहा है गम बाइंडर की तरह यूज कर रहा है देखो गम का यूज बाइंडर भी होगा है ना और यह क्या करेगा भाई गम दूर करेगा यानी थिकनिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है और अगर थिकनिंग एजेंट चीजें थिक हो गई तो फिर स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज होगा होगा कि नहीं होगा तो सारी चीजें कोरिलेट हो रही कि नहीं है ना चीजों को कोरिलेट करने की कोशिश करो ये तभी पॉसिबल है जब एटलीस्ट जो मैंने बताया कि टेबल बना के पढ़ लो यस yes, फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट ट्रेगाकंथ में सर्व एज फॉर्मुलेशन देखो इसका जवाब तो तुरंत आ जाना चाहिए इमीडिएट यस बाइंडर की तरह है ना यस yes. थ नोन फॉर इट्स आसान है किसका डिमल्सेंट एंड सूदिंग प्रॉपर्टी होती है लेनोलिन इज द नेचुरल सब्सटेंस ऑप्टेंड फ्रॉम विच सोर्स लेनोलिन बोलो भाई लेनोलिन सोच के देखो कि यूनिट फाइव में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं बहुत बन सकते हैं ओके कौन बचेगा कौन जाएगा विजय अब देखो क्या कर बोलते हैं कुछ नहीं कह सकते पीसीआई में बहुत कुछ बदल रहा है डेली नई नई नोटिस आ रही हैं कुछ नहीं कह सकते कि वो लोग कब क्या कह दें हम्म बोलो भाई लेनोलिन ऑप्टेंड फ्रॉम विच सोर्स हद हो गई है तो लिमिटलेस यस पुनीता सही आलिया ठीक विजय ठीक किससे शीप वुल भाई शीप वुल मैंने बताया भी था नेक्स्ट लेनोलिन कॉमनली यूज एज किस लिए यूज होता भाई लेनोलिन लेनोलिन यूज एज इमोलियंट एंड मॉइस्चराइजर की तरह इमोलियंट एंड मॉइस्चराइजर की तरह यूज होता है लेनोलिन कंपोज मेनली क्या रहता है भाई लेनोलिन में मेनली केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या रहते हैं फैटी एसिड एंड एल्कोहल भी जाहिर सी बात है लेनोलिन है ज्यादातर इमोलियंट है मॉइस्चर है तो फैटी एसिड ज्यादा होगा और एल्कोहल कंपाउंड है, है ना गुड यस एक्सट्रैक्शन ऑफ लेनोलिन इन्वॉल्व कैसे करोगे एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ लेनोलिन इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ लेनोलिन दिमाग ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही कि नहीं बताओ भाई ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है ब्रेन स्टॉर्मिंग देखो अगर कॉमेडी की तरह लोगे तो ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगी हम लोगों को जब पढ़ाया जाता था तो कहते थे ना एमसीक्यू जब लगाना है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करो दिमाग पे जोर डालो चारों तरफ दिमाग पे जोर डालो बहुत अच्छे तरीके से यस yes. आदर्श बिल्कुल सही एक्सट्रेक्शन फ्रॉम शीपुल यस लेनोलिन इज द पर्टिकुलरली वैल्यूड फॉर इट्स एबिलिटी टू क्या करता है भाई ये? क्यों यूज़ होता है भाई इसका इस्तेमाल क्यों होता है हम्म कल इसके कुछ और एक एमसीक्यू कराए जाएंगे है ना पचास एमसी को इस चैप्टर के और कर लो कल और उसके बाद फिर जो है परसों से नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं एग्रीड यस प्रोवाइड अक्लूसिव स्किन प्रोटेक्शन बिल्कुल सही कैलिन इज द नेचुरल क्ले मिनरल प्राइमरली कंपोज ऑफ बताओ भाई कैलिन है ना देखो मजारन यस इसके बाद एच स्टार्ट होगा डोंट वरी इसके बाद एच स्टार्ट होगा कल इसके कुछ और एनसीक्यू कर लो कल सैटरडे मंडे से एच स्टार्ट करते हैं देखो यही इसीलिए मैंने सिलिका डाला अकेले सिलिका नहीं है अगर यहीं पे सिलिका के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता साथ में तो चल जाता तो मोस्ट ऑफ सिलिका ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड वहां खाली सिलिका है इसलिए तुम्हारा सेकंड आंसर सही है मजा आया एमसीक्यू करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैलोनाइट विच इज टर्न फ्रॉम द एल्यूमिनो सिलिकेट है ना तो खाली सिलिका नहीं है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ सिलिका है ओके okay? एमसीक्यू करके मजा आया और भी बहुत सारे एमसीक्यू हैं। कल कोशिश करेंगे जो 25 है इनको हम 100 तक लेके जाएं 100 तक ब्रेन स्टॉर्मिंग दिमाग पे जोर दो पता चलेगा कि तुमको कितना आता है ओके okay? यस, yes. चलो भाई ओके बाय बाय और नेक्स्ट क्लास एग्जिट एग्जाम वहां पे नॉन फर्मा, वहां भी मजा आने वाला है आज तुमको क्रिकेट और फुटबॉल भी खिलाएंगे चलो भाई बाय बाय